शुक्रवार 11 फरवरी को प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य में नए सैनिक स्कूल बनाने पर जोर दिया। मोदी ने कहा, हमारे देश में बहुत कम संख्या में सैनिक स्कूल हैं। हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को तैयार करने के लिए अब नए सैनिक स्कूल बनाने का फैसला किया गया है। इस सब कामों के कारण सीमांत गांव से होने वाले पलायन को रोका जाएगा। हालांकि जब मोदी जी ये चुनावी भाषण दे रहे थे, उस समय रुद्रप्रयाग विधानसभा के जखोली विकासखंड के थाती बड़मा गांव के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इस गांव में 2013 में ही सैनिक स्कूल बनाने का प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन आज तक स्कूल का नामो निशान तक नहीं है। हालांकि इस स्कूल के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शुभारंभ कई बार और कई मुख्यमंत्रियों ने किया है। सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए मानी हमने यह कहकर अपनी जमीन दी थी कि अगर सैनिक स्कूल की स्थापना होती है तो हम इस जमीन को अपनी जमीन को सशस्त्र दान देते हैं। परंतु सन 2012 से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी और वर्तमान भाजपा सरकार ने भी ग्राम थाती के साथ खिलवाड़ किया है, मानी रुद्रप्रयाग जिले के साथ खिलवाड़ किया गया है कि इस स्कूल का अभी तक मानी विधानसभा के पटल पर एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो ये कार्य कर रखा है 10 करोड़ का, इसका पैसा आवंटन कहाँ से हुआ, इसका अभी तक कोई हिसाब किताब कुछ है ही नहीं जनता के बीच में। सिर्फ ग्राम सभा थाती की नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग की जनता भ्रमित हो चुकी है कि यहाँ को मानी लोगों को ठगा महसूस कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कितनी बार हमको धोखा दे दिया कि तुम्हारी मतलब स्कूल बनेगी। हम लोगों ने अपना सारा मतलब उपजाऊ भूमि वहाँ दिया, ना तो हमारे स्कूल बना और ना तो उन्होंने हमको कुछ राय मशवरा दी कि हम बनाएंगे कि या नहीं बनाएंगे। खाली बहाने बाजी लगा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे स्कूल तुरंत बने। ये गरीबों की भूमि है, हम इस दाल भात में नहीं तुम संतोष होंगे। यहाँ पर गांव वालों ने, हमारे भाई बंधुओं ने सामूहिक रूप से अपनी भूमि दान दी थी और सैनिक स्कूल के लिए और संघर्ष किया था, तो हरक सिंह ने ये स्कूल सैनिक स्कूल के रूप में स्वीकृत करा करके यहाँ पर कार्य शुरू करवाया था। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि हरीश रावत के शासनकाल में हरक सिंह ने बगावत कर दी और वो पार्टी छोड़ करके अलग पार्टी मानी 12 आदमी अलग हो गए, जिससे सरकार इनकी गिरती बची। लेकिन हरीश रावत ने वो सारा प्रपोजल डंप कर दिया, जितना भी काम होना था वो सारा काम बंद हुआ और हमारी सारी जमीन, जितनी भी खेती योग्य जमीन है 12 हेक्टेयर जमीन, वो सारी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम ने सारी समाप्त कर दी। न खेती करने लायक है और न कहीं चारा उगाने लायक है। सैनिक स्कूल के सवाल के लिए हमने इस सैनिक स्कूल के बनाने के लिए बहुत कोशिश की। इस संदर्भ में हमारे पास जो उत्तरांचल सरकार का और केंद्र सरकार का समझौता पत्र MOU जिसे कहते हैं वो बना हुआ है, वो हमें मिला है। केंद्र सरकार की चिट्ठियाँ, डिफेंस मिनिस्टर की चिट्ठियाँ हमारे आ रखे हैं। इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को बताया कि वहाँ काम चल रहा है, जब बिल्डिंग बन जाएगी, जब काम स्कूल शुरू हो जाए, हम तुमको अवगत कराएंगे। लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आज से 3 साल पहले यहाँ पर जो है 35 करोड़ रुपये की घोषणा तिलवाड़ा में की थी कि हम यहाँ पर जो है ये बनाएंगे हम, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद 1 अक्टूबर को माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी चोपता में आए थे, वहाँ पर हमारा शिष्टमंडल उनके पास गया था। शिष्टमंडल को हमने उनको ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ रुपये तुम्हारे स्कूल के लिए स्वीकृत कर दिए थे। हमने उन्हें कहा कि हमें खाली लालसा नहीं चाहिए, हमें वित्त से जो भी पैसा देना वित्त से दिया जाए। और बाद में जब हम माननीय मंत्री जी हमारे जो ये हैं यहाँ विधायक महोदय ने कहा कि 1 करोड़ रुपया हो गया, मैंने कहा कि भाई उसका जो शासनादेश आया है उसे हमें दिखाएं। उन्होंने कहा शासनादेश की जरूरत नहीं है, सरकार के स्टेटमेंट बना के दो। बड़मा क्षेत्र के लगभग 100 से अधिक गाँव के लोगों के लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके लिए बड़मा ग्रामीणों ने बिल्कुल मुफ्त में अपनी खेती की 1000 नाली भूमि दान दे दी थी। लेकिन फिर भी यहां स्कूल निर्माण नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीणों में भारी गुस्सा है।
इस बार विधानसभा चुनाव में सैनिक स्कूल जखोली विकासखंड के बड़मा पट्टी के लिए ये एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है। अरे यहाँ अगर स्कूल बनता तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की लाइफ बनती, पूरे उत्तराखंड की लाइफ बनती। यहाँ हजारों बच्चे आते, लोग पर्यटक रूप के रूप में यहाँ आते, यहाँ का विकास होता। लेकिन जब स्कूल बनी नहीं तो क्या करना, विकास क्या, विनाश किया सरकार ने हमारा। तो मानी फायदे मैं सैनिक स्कूल में फायदे मानी, अगर यहाँ का बच्चा मानो तो राष्ट्रीय विद्यालय घोषित होना था उससे तो यहाँ के नहीं, तो मानी अगर यहाँ का बच्चा भी होता तो इस स्कूल में पढ़ता। परंतु अगर सैनिक स्कूल से दुकानें बनती, बैंक का फायदा होता, रोड का चौड़ीकरण होता, मानी किसी की सब्जी बिकती, कुछ होता, सारे कार्य हो जाते, मानी विकास की राहत दिखाई देती। मैं अभी एक युवा बेरोजगार हूँ। ये सैनिक स्कूल का जो प्रावधान रखा गया था ये हम युवाओं के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता, लेकिन सरकार, हमारी सरकार ऐसी सोई रही, चाहे कांग्रेस सरकार थी चाहे भाजपा सरकार है, जिस प्रकार से सरकार का कोई हमारे लिए किसी भी प्रकार से हमारे लिए कोई भी समाधान नहीं किया गया इस समस्या का, वैसे ही हमारे विधायक भी रहे। हमारे विधायक भी, हम उनके पास कई बार अर्जियां लेके गए लेकिन वो कभी सुनने को तैयार नहीं, कभी वो क्षेत्र में आए नहीं। हमसे किसी भी युवा से हमें कभी उनसे हमें रूबरू होने का मौका नहीं मिला। वोटिंग हमने भी दी थी, वोट हम भी दिए थे, वोट इस बार भी हमारी है। इस बार भी जनता खड़ी है कि इस बार विधायक आए तो हमारा सीधा उनसे संपर्क हो तो हम उनका बहिष्कार करने को तैयार हैं। लेकिन इस बार भी हमारे माननीय विधायक जी आ नहीं रहे हैं। पिछली बार वो कुछ लोगों को भेजे थे यहाँ सैनिक स्कूल के लिए, बार बार वो भेज देते हैं 2-3 कैमरा वाले और कहते हैं कि हाँ जी सर्वे कर रहे हैं, आगे कार्य होगा। लेकिन जब हमें खबर मिलती है कि सर केंद्रीय सरकार तो मना कर रही है कि यहाँ से हटा दिया जाएगा। सर सैनिक स्कूल तो एक खाली अब बहाना है, अगर कोई भी अगर यहाँ उठता है विधायक के लिए तो हमें से एक जरूर बोलते हैं कि सैनिक स्कूल बनाएंगे। 5 साल बीतते हैं वो हमारे से मजाक का मजाक बना रहता है, ना हमें अब किसी से उम्मीद है ना किसी से हम उम्मीद रखना चाहते हैं। सैनिक स्कूल जो वैसा है तो वो ऐसे ही रहेगा, वो कभी नहीं बनेगा, अब हमें ऐसा ही लगता है। नवंबर में हम यहाँ चोपता में गए, मुख्यमंत्री से मिले और माननीय ये हमारे विधायक हैं भरत चौधरी, उनसे मिले, उन्होंने मुख्यमंत्री को से हमारा संपर्क करवाया, मांग पत्र दिया। लेकिन हुआ क्या, ढाके 3 पात। अब मैं सोचता हूँ हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों रावत हैं, दोनों एक ही बाप के लड़के हैं, दोनों की सोच नकारात्मक है और धामी भी उन्हीं के परिपेक्ष में है, धामी भी उसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। हमारे लिए किसी ने जो काम ही नहीं किया तो हमारे लिए वो दोनों सब वैसे ही हैं। मानी एक भेड़ जहाँ नीचे गड्ढे में जाती है तो पीछे से सारी भेड़ें वैसे ही गड्ढे में गिर जाती हैं, ऐसे ही हमारे लिए सरकार है। अब हमने रोना किसके पास है, केंद्र सरकार से भी कई कार्रवाइयां कर चुके हैं लेकिन केंद्र सरकार भी अब कोई कार्रवाई प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। जनता मानी जनहित याचिका दायर करेगी, जनहित याचिका दायर करेगी, अगर सैनिक स्कूल का निर्माण नहीं होता है तो ग्रामीण एक वक्त विवश होकर के वो माननीय उच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध जनहित याचिका दायर करेंगे। ये सोच रहा था पहले यहाँ गाँव वालों ने बात पूरी नहीं की, लेकिन मैंने इनसे कहा था कि इस समय चुनाव का बहिष्कार करो और सारे लोग मिलकर के वहाँ उत्तरसू से लेकर के बस्टा से लेकर के और पूरी जखोली तक इस पट्टी में कोऑपरेशन करते हैं और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम चुनाव वाले हैं ही नहीं, हम सरकार के पक्ष में हैं ही नहीं, हम मतदान के लायक हैं ही नहीं, हम मत देते ही नहीं, ना हम सरकार चाहते हैं और ना हम प्रशासन चाहते हैं, बस यही हमारा मंतव्य है। लेकिन अब देखो तब ये भाई बहन सब हैं, इनसे वार्ता करके हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, गांव में आने ही नहीं देंगे, बस यही हमारा मंतव्य है। आपको बता दें कि 2012-13 में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने उत्तराखंड में इस सैनिक स्कूल को मंजूर किया था। तत्कालीन सरकार ने 10 करोड़ का बजट दिया था जिसमें से लगभग 9 करोड़ भूमि समतल करने और एक दीवार बनाने में ही खर्च हो चुके हैं। इस मामले में निर्माण गड़बड़ी को लेकर कई अफसरों पर FIR तक हुई है।
ऐसा कहा जा रहा है जिसमें बहुत सारी अनियमितता थी, इस चक्कर में हम आगे का फंड रिलीज नहीं करेंगे। अनियमितताएं तो जांच की, जांच के बाद उन्होंने क्या पाया, यहाँ धरातल में क्या आया, कुछ नहीं। मानी अखबारबाजी हुई, सब कुछ हुई, पर लेकिन धरातल में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसने अनियमितता की उसको पकड़ो, लेकिन गांव वालों का क्या दोष है, काश्तकारों का क्या दोष है, कृषकों का क्या दोष है, जिन्होंने भूमि दान दी उनका क्या दोष है? निःशुल्क भूमि दी थी, ऐसी रुद्रप्रयाग में ऐसी भूमि कहीं नहीं है। आप दो देख लो, सारे डिस्ट्रिक्ट में घूमो, कहीं ऐसी भूमि नहीं है जैसे हमारी थाती में थी। उत्तर प्रदेश निर्माण निगम ने ये सारा काम किया, जितना भी ठेके का ठेके में भ्रष्टाचार हुआ वो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम इसका भागीदार है। उत्तर प्रदेश निर्माण निगम है, ये अलग है ना, ये बनाने वाली संस्था तो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम थी, उत्तराखंड निर्माण निगम अभी बना ही नहीं। किसानों द्वारा दी गई 1000 नाली से अधिक भूमि पर बनने वाले सैनिक स्कूल में मुख्य कैंपस के साथ छात्रावास, शिक्षक कर्मचारी आवास निर्माण भी किया जाना था। इसके अलावा यहाँ सेमिनार हॉल, खेल मैदान व अन्य संसाधन भी जुटाए जाने थे, परंतु अभी वहां एक बंजर मैदान बना हुआ है जिस पर स्थानीय युवा और बच्चे क्रिकेट और बाकी खेल खेलते हैं। बीजेपी इस चुनाव में अपने पिछले 5 साल के शासन के बारे में कह रही है कि उसने धुआंधार काम किया है, लेकिन इस सैनिक स्कूल के सवाल पर उसका यह कथन बेमानी लगता है। साथ ही कांग्रेस के हरीश रावत खुद को विकास पुरुष बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों ने ही इस मुद्दे को लटकाए रखा है। सरकार बहरी है, अब क्या करेंगे, अब तो अंतिम निर्णय की, या तो हम लोग चुनाव का तो बहिष्कार करेंगे, इसके बाद निर्णय लेंगे, या तो हमारी भूमि पूरी जैसे थी वैसे बनाई जाए, या तो जो है हम देहरादून के लिए आत्मदाह करेंगे वहाँ।